राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी दीपक कैसे जलाया जाता है, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 बजे का समथिंग टाइम हो गया है, क्योंकि मैंने पानी वगैरह पिया था तो 4:30 बज गए हैं। चलिए गेट खोलती हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी दीपक कब जलाया जाता है। तो लक्ष्मी दीपक जलाने का 2 समय है, या तो आप सुबह जलाइए मतलब एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर आप प्रदोष काल में जलाइए। तो मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में बताऊंगी, और ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बढ़िया फल रहता है अगर आप इस दीपक को सुबह सुबह जलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने उठते ही अपने दरवाजे पर 1 लोटा जल डाल दिया था। इसके बाद जो है ना, मैं अपने दरवाजे की दहली को पर जो है ना इस तरह से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, और सुबह उठते सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद जो है ना, अपने सबसे पहले जो है ना, मैं अपने दरवाजे की दहली को ही साफ करती हूँ। उसके बाद अपने पूरे घर में झाड़ू वगैरह मैं बाद में लगाती हूँ, पहले जो है ना सबसे पहले दरवाजे की दहली को साफ करती हूँ। कहते हैं कि लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु जो है ना सुबह सुबह भ्रमण के लिए निकलते हैं, और जिस दरवाजे की दहली साफ सुथरी और सुंदर होती है बस उसी घर में वो जो है ना प्रवेश करते हैं। इसीलिए सुबह सुबह जो है ना हमें अपने घर की दरवाजे की दहली को साफ करना चाहिए। झाड़ू मैंने लगा दिया, इसके बाद जो है ना अच्छे से बिल्कुल पूरा जो है ना जो बाहर का एरिया है उसको मैं हल्के कम पानी में जो है ना उसको धोऊंगी। कभी भी दरवाजे पर गंदा पानी नहीं फैलाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं फैलाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी फैलाते हो तो इससे आपका राहु ग्रह खराब होता है। तो बस इतना फैलाइए जितना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, और गंदा पानी तो बिल्कुल नहीं फैलाना है। जैसे कि पोंछा वगैरह का पानी जो बचता है वो हम दरवाजे पर फेंक देते हैं, वो कभी नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे सफ़ेद चूना लिया है, उसका मैं इस तरह से चारों तरफ जो है ना बॉर्डर बना दूंगी अपने दरवाजे की दहली पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो इस तरह से जो है ना बॉर्डर बनाकर जो है ना फिर मैं गाय के गोबर से अपनी दरवाजे की दहली को लीपूंगी। गाय के गोबर में ना थोड़ा सा मैं लाल कलर का गेरुआ, जो कि मिट्टी होती है लाल कलर की, उसको मिला लूँगी। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है और लाल कलर का गेरुआ यानी लाल कलर की मिट्टी भी अगर आपके पास नहीं है, तो आप थोड़ी सी हल्दी लें और हल्दी से जो है ना अपने दरवाजे की दहली को लीप लें। मैं तो खैर बहुत बड़ा एरिया लीप के दिखा रही हूँ आपको, अगर इतना बड़ा आपके पास एरिया नहीं है तो आप छोटी सी जगह में भी जो है ना अपने दरवाजे की दहली को ज़रूर लीपें। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं दीदी हमारे पास तो एक ही रूम है तो हम कहाँ लीपें, जो जिस गेट से आप बाहर निकलते हो ना वहीं पर आपको लीपना है, चाहे आप फ्लैट में रहते हो। अगर फ्लैट में भी रहते हो तो आपका एक मेन गेट होगा जिस गेट से आप अपने घर से बाहर निकलते हो, तो बस उस मेन गेट की दरवाजे की दहली को जो है ना आपको लीपना है। आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा उजाले में वीडियो बनाना था। अगर आप दीपदान करते हैं, लक्ष्मी दीपक जलाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अंधकार में ही जलाएं। अंधकार में आप जितने दीपक जलाते हैं उतने दीपकों का आपको दुगुना फल मिलता है। तो दीपक का तो मतलब ही है अंधकार में उजाला देना, इसीलिए दीपक हमेशा अंधकार में ही जलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने गेरुआ से और गाय के गोबर से अच्छे से अपने दरवाजे की दहली को लीप लिया है, और इस समय जो है ना हमारा पूरा मोहल्ला एकदम सूना सूना सा था, मतलब सब लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। यहाँ पर मैं बनाऊंगी लक्ष्मी जी के चरण। तो लक्ष्मी जी के चरण आप चाहें तो कुमकुम से बना सकते हैं, आप चाहें तो हल्दी से बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने हल्दी से बनाकर आपको दिखाए थे, इस वीडियो में मैं बना रही हूँ रंगोली के कलर से। आज मैंने गुलाबी कलर के जो है ना चरण बनाए हैं, और आसपास छोटे छोटे से रंगोलियां बना ली हैं क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से रंगोली बनाना नहीं आता है। तो इस तरह से कुछ जो है ना हमारे दरवाजे की दहली दिख रही है। चलिए अब मिलूंगी मैं आपको नहाने के बाद। तो बस स्नान करने के बाद जो है ना मैंने पूजा की थाली लगा दी है। सबसे पहले मैं अपने दरवाजे का पूजन करूंगी और यहाँ पर लक्ष्मी दीपक जलाऊंगी, उसके बाद करूंगी अपने ठाकुर जी की पूजा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से लक्ष्मी दीपक जलाया जाता है। आप यहाँ पर मैंने मिट्टी का दीपक लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर पीतल का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक कमल के फूल जैसा लक्ष्मी दीपक आता है, अगर आपके पास वो है तो उसे भी आप जला सकते हैं। अगर इस तरह का दीपक नहीं है तो मेरी तरह मिट्टी के दीपक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप लक्ष्मी दीपक जलाते हैं तो उसमें लंबी बाती का यूज़ करें, गोल बाती उसमें नहीं जलाई जाती है। तो आपको लंबी बाती बनाना है, और कभी भी मार्केट से बनी हुई बाती आप ना लेकर आएँ, कोशिश करें कि अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि अपने हाथों से बनाने का एक अलग पुण्य होता है, और कुछ पुण्य तो आपको अपने लिए हमेशा रखने चाहिए। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप फ़ोन भी चला रहे हो ना तो उस समय भी बैठे बैठे आप 2-4 बातियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने हाथों से जो है ना रोज़ इन बातियों को मलती हूँ, और ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है बाती बनाना घर में। तो इस तरह से जो है ना बाती बनाऊँगी,
और लक्ष्मी दीपक दो चीज़ों से जलाया जाता है, या तो आप इसमें तिली के तेल का प्रयोग करें या फिर इसमें घी का प्रयोग करें। सरसों के तेल का ये दीपक नहीं जलता है, तो मैं जो है ना इसमें तिली के तेल का प्रयोग कर रही हूँ। इस दीपक को हो सके तो आप अंधकार में ही जलाएं, जब आपका पूरा मोहल्ला सो रहा हो उसी समय जलाएं, क्योंकि कई बार होता है जब हम अपने दरवाजे की दहली पर पूजा कर रहे होते हैं तो कई लोगों की नज़र जो है ना हमारी पूजा के ऊपर जाती है, फिर वो जो है ना पूजा इतनी प्रभावशाली नहीं होती। अगर आप किसी कारणवश अगर आप अपने दरवाजे की दहली पर पूजा नहीं कर सकते, कई कारण हो सकते हैं, तो इसमें आप एक उपाय कर सकते हैं। वो उपाय ये है, अपने घर की तुलसी के नीचे भी आप सेम इसी विधि से जो है ना लक्ष्मी दीपक जला सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जला कर दिखा रही हूँ। एक मैंने प्लेट ली है, प्लेट में जो है ना एक मुट्ठी मैंने गेहूँ लिए हैं। आप गेहूँ की जगह चावल भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी आप अनाज का प्रयोग ज़रूर करें इसमें। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर मिट्टी का दीपक रखा है और इसको जो है ना मैं इस तरह प्रज्वलित कर दूंगी। दीपक का मुख मैंने घर के अंदर की तरफ किया है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद मैंने दीपक का पूजन कर दिया है, लाल कलर के फूल चढ़ा दिए हैं और बस यहाँ पर पान के पत्ते के ऊपर जो है ना थोड़ी सी मिश्री रखकर आपको भोग लगाना है। इस विधि से जलाया जाता है लक्ष्मी दीपक। और दीपक को जलाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि जिस समय भी आप इस दीपक को जला रहे हो उस समय अंधकार होना चाहिए, तभी ये दीपक जो है ना बहुत फायदा करता है। इस दीपक के बीच में आप एक कौड़ी भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इस दीपक को आप चाहे तो पूरे कार्तिक के महीने जो है ना कीजिए, इसके अनंत गुना फल जो है ना आपको प्राप्त होते हैं। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आप थोड़े से व्यस्त रहते हैं, तो केवल दिवाली के समय जो है ना इस दीपक को अपने दरवाजे की दहली पर आप ज़रूर जलाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त में जिनके दरवाजे पर इस तरह से अगर दीपक जलता है तो उनका भाग्य चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उनके भाग्य में चाहे कितनी भी दरिद्रता क्यों ना हो, धीरे धीरे जो है ना उनका भाग्य जो है ना उदय होने लगता है, दरिद्रता उनके जीवन से चली जाती है, जैसे कि दीपक की रोशनी पूरे अंधकार को जो है ना खत्म कर देती है, उसी तरह इसका इस दीपक का प्रभाव भी रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।